सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। कैसे हैं अज़ीज़ान? इंशाअल्लाह खुदावंद आलम जहाँ भी रहे अहलुल बैत अत्ताहिर सेहत व सलामती के साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। एक दिन ज़रा टेक्निकल वजूहात की बुनियाद के ऊपर ज़रा सा ताखिर से एक वीडियो आप तक पहुँच रही है। आज इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फरमाइश और उनके फरमान के ऊपर आपकी खिदमत पहले अर्ज़ करूँ। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, काला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहब्बना काना मिन्ना अहलुल बैत अलैहिस्सलाम। हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो भी हम अहलुल बैत से मोहब्बत रखेगा हम अहलुल बैत में से है। कितना बड़ा करम, कितना बड़ा शरफ, कितना बड़ा एजाज हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि आप ज़रा सा मोहब्बत तो करके देखें। आप एक कदम आगे आएंगे, अहलुल बैत हज़ार कदम आगे बढ़ते हैं। और ये शरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ज़बान मुबारक से हम और आपको जो मुहिबान अहलुल बैत मोमिन मोमिनात इस कायनात में हैं उनको इनायत कर रहे हैं। दूसरी हदीस जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है, फरमाते हैं, वल्लाह मा खलकल्लाहु शैअ इल्ला वक़द अमरहु बित्ताअति लना। अल्लाह की कसम मैं खा के कहता हूँ, परवरदिगार आलम ने कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं खलकी है कि जिसको हुक्म ना दिया हो हम अहलुल बैत की इताअत करने के लिए। अल्लाह अकबर। वो हमने आराब ने अपनी आंखों से देखा है कि कभी रसूल खुदा चाँद को टुकड़े कर रहे हैं, कभी जनाब जहरा के दरवाज़े पर सितारे उतर रहे हैं, कभी मौला मुत्तकियान सूरज को पलटा रहे हैं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह जो कायनात में कोई भी नहीं कर सकता वो फ्यूज़ात वो कमालात दिखा रहे हैं, कभी दरख्त ज़मीन को चीरता हुआ सामने आ जा रहा है, कभी मुर्दा बोलता हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कहता हुआ खड़ा होता नज़र आ रहा है। इसी अंदाज से तमाम वो जानवर जो आपने देखे दरिंदे हैं किसी की भी नहीं सुनते, कभी इमाम को एक दज्जाल जो बनी अब्बास का हुकूमत वाला यानी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को बरकतुस्सबा जहाँ पर भूखे शेर रखे गए थे उसमें डाल देता है, मगर तमाम दरिंदे इमाम के कदमों को आके बोसा लेते हैं शेर और एक मरतबा चारों तरफ घेर लेते हैं इमाम को उनकी हिफाजत के लिए। अब आप देखें, हम कहते हैं ना कि आप जानवर बन गए हैं, यानी हम कभी किसी को अगर डांटना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं तो हम इंसान एक मिसाल देते हैं कि तुम जानवर हो। अब देखिए उन जानवरों को देखिए कि जो अहलुल बैत को ऐसा पहचानते हैं। अब जो इंसान नुमा एक शख्स है और वो अहलुल बैत के साथ दुश्मनी करे तो उसको किस चीज़ से मिसाल दी जाए? क्योंकि हमारे इमाम हुसैन इरशाद फरमा रहे कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब हमारे इताअत के लिए पैदा की गई हैं और अल्लाह ने हुक्म दिया है और इताअत करते हुए नज़र आते हैं। इल्ला ये शैतान नुमा इंसान कि जो इस कायनात में इस्लाम का लिबादा उड़कर जो नुकसान पहुंचाया इस्लाम को, शायद बाहर वालों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर तीसरी हदीस जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है जिसमें इरशाद फरमाते इमाम हुसैन, इन्ना हुब्बुना ला तुसाक़तु ज़ुनूबा कमा तुसाक़तु रीहुल वर्क, कहते हैं कि हम अहलुल बैत की मोहब्बत गुनाहों को इस अंदाज से इंसान के नामे अमाल से गिरा देती है, साफ कर देती है, झाड़ देती है, जैसे पतझड़ के ज़माने में जब सूखे पत्ते दरख्त से हवा चलने के सबब से ज़मीन पर गिरना शुरू होते हैं तो वो लोग जो इस उन इलाकों में रहते हैं जहाँ दरख्त बहुत हैं और पतझड़ का मौसम भी उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आता है तो वो समझ सकते हैं कि एक तूफ़ानी हवा चलने से या तेज़ हवा चलने से किस अंदाज से झरझरा के सूखे पत्ते दरख्त से गिरते हैं। इमाम हुसैन उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे सूखे पत्ते दरख्त से गिरते हैं वैसे ही हम अहलुल बैत की मोहब्बत के सबब मोमिनीन मोमिनात के नामे अमाल से गुनाह गिरना शुरू हो जाते हैं। किन किन मकामात के ऊपर अहलुल बैत की
आप और हम सना करें। किसी भी दुनिया में लीडर है जिसने कहा हो कि कब्र में हम आएंगे? मुसलमानों ने 73 फिरके तो बना लिए, जरा बताएं किसी ने भी वादा किया है कि हम पुलसरात पर आएंगे, तुमसे मिलेंगे? किसी ने कहा है कि हम मीजान पर आएंगे? किसी ने कहा है कि जिस वक्त दम निकल रहा होगा उस वक्त हम आएंगे? मेरे मौला ने कहा, मैं यमू तो यरनी, जब भी कोई मोमिन मोमिना इस दुनिया से जाएगा तो वो मेरी पहले ज्यारत करेगा, तब फिर इस दुनिया से निकलेगा। और छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही रूह बाहर निकलती है हम 14 के 14 सामने आ जाते हैं। अल्लाहु अकबर, ये कितना बड़ा शरफ है जो हमें और आपको अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के सबब से मिलता है। आज हमारी गुफ्तगू दूसरे पैराग्राफ में रसूलुल्लाह की वो हदीस जो सूरह आला के सिलसिले में इरशाद फरमाया है उन्होंने, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। इंशाअल्लाह रमज़ान के आखिर अय्याम है, इन अय्याम में इन सूरों को सुनकर एक मरतबा अपने साल भर तक की नमाजों में कोशिश करें इसको लेकर आ जाएं, चूँकि ये वो ख़जाने हैं जो मोमिनीन के लिए हैं। खुदा न करे कि कोई गैर मोमिन मुनाफिक दुश्मन अहलुल बैत इसका इस्तेमाल करे और फ़ायदा उठा ले, क्योंकि चाबी है, जो भी लगाएगा उसके लिए ताला खुल जाएगा, तो फिर गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं हमें अहलुल बैत ने मोमिनीन मोमिनात को दी हैं, हम अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर दुश्मनान अहलुल बैत इस्तेमाल कर लेंगे तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि हमने एक मरतबा एक कम्युनिटी है मेमन, बहुत पैसे वाली कम्युनिटी है, तो मैंने पूछा आप लोग इतने कैसे वेल्दी हैं माशाल्लाह से, तो उन्होंने कहा कि एक बुज़ुर्ग ने ये कहा है कि अपने घर में हफ्ते में कुरान मजीद के सिलसिले से एक वृद्ध रखवाओ, उसमें कुछ जिक्र करो और फिर कम से कम कुछ अफराद को खाना खिलवाओ। ऐसे ही कुछ लोग इस अंदाज से बयान करते हैं। खिदमत में आप कस करें कि मैं बड़े हैरानी के साथ उनको देखता रहा, ये हदीस तो इमाम जाफर सादिक ने अपने एक मोमिन से कहा था, जिस मोमिन ने शिकायत की थी कि मौला मेरे इक्तसादियात बहुत ख़राब हो गए हैं, तो फिर मौला ने कहा था कि जाओ इंतज़ाम को, कहा मौला इतने पैसे नहीं, तो कहा कोई बात नहीं, कल रात को जब जब सुबह उठोगे तो तुम्हारे तकिए से इतना पैसा निकल जाएगा नीचे से कि जिससे तुम इस दावत को कर सकते हो। एक मरतबा उसने वही दावत की, कुरान मजीद की तिलावत करवाई, कुछ जिक्र अहलुल बैत करवाया, 10 आदमियों को खाने का एहतमाम किया अपने खानदान में से। उसका डूबा हुआ पैसा एक शख्स लेकर आएगा कि मेरा दम निकल जाएगा, हम तुमको पैसा नहीं देंगे, ये तुम्हारा जो पैसा जो था, बहुत पहले उसका पैसा डूब गया था, वो भूल भी चुका था और उसको याद है हाँ हाँ ये तो मेरा पैसा है। बहुत बड़ी तादाद में उसको पैसा जाना वाला वापस हो गया। ये रिवायत छठे इमाम ने हमारे मोमिन के लिए दी थी, हमने इस्तेमाल नहीं किया, दूसरों ने इस्तेमाल कर लिया, देखिए उनकी पूरी कौम तब्दील हो गई, अनफॉर्चुनेटली हम पीछे रह गए। आए उन्हीं सूरों के सिलसिले से आज जो है एक मरतबा कौन सा सूरा ऐसा है जिसके बहुत ज़बरदस्त फ़वाद हैं, रमज़ान की इस बरकत से इन सूरों को सुने और इंशाल्लाह अपने अमल में लाने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है अन अली अलैहिस्सलाम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रिवायत को रसूलुल्लाह से मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, कहते हैं कि युहिब्बुहा वही सूरा सब्हिस्मा रब्बिकल आला, पैगंबर अकरम इस सूरे को बहुत पसंद करते थे, अक्सर बेशतर पैगंबर अकरम इसको पढ़ते थे। फिर छठे इमाम की हदीस सूरे आला के सिलसिले हैं, जो वो सूरा आला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सब्हिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फ़जअलहु ग़िथ्ऊन अहवसन क़ुलूबा फ़ला तज़िल्ला माशाअल्लाह इन्नहु यअलमु अल-जारा। इंशाल्लाह ये वो सूरा है कि बेहतरीन है, नमाज नाफला में वाजिब में आप इंशाल्लाह अदा करें, इन सवाबों के हकदार हो जाएंगे जो अभी आप और हम इंशाल्लाह सुनने के लिए जा रहे हैं। यकीन है कि माशाल्लाह साहब हजरात को पता होगा, मगर ये उन बच्चों के लिए मैं बयान कर रहा हूँ कि जो जिन्होंने ये रिवायत नहीं सुनी है। रसूलुल्लाह ने छठे इमाम ने इरशाद फरमाया अल वाजिबु अला कुल मुमिनिन इज़ा काना लना शिया, वाजिब उन्होंने कह दिया, वाजिब है हमारे तमाम मोमिनीन के लिए कि जब लना अगर वो हमारे शिया हैं, व लना शिया अगर वो शिया हैं, यक़रा फ़ी लैलतिल जुमअह बिल जुमअह व सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, जब शब जुमा हो तो अपनी नमाज में सूरह जुमा की तिलावत करें और सब्बिह इस्मा की तिलावत करें। ये वाजिब, इसका मतलब कुछ रास है इसके अंदर में
जो हमें और आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलने वाला है। इस इन राजों को दूसरी रिवायात ने जना वाला खोला जो आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, मन करा सब्बह इस्म रब्बिकल आला फी फरीज़तिन औ नाफिलतिन क़ीला लहू यौमल क़यामा उदखुलिल जन्ना मिन अय्य बाबिल जन्ना। क्या जबरदस्त सिला है सब्बह इस्म रब्बिकल आला पढ़ने का। रसूल छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि जो भी सब्बह इस्म की तिलावत करेगा फी फरीज़तिन, चाहे वो वाजिब नमाज हो, औ नाफिलतिन, चाहे वो नाफिला नमाज हो, कीला लहू, तो छठे इमाम ने इरशाद फरमाया उसके लिए क्या मिलेगा, यौमल क़यामा, क़यामत के दिन उसको इसके तिलावत का सवाब मिलेगा। उदखुलिल जन्ना, तू जन्नत में मेरे बंदे दाखिल हो जा, मिन अय्य बाबिल जन्ना, जिस जन्नत के दरवाजे से तू दाखिल होना चाहता है तू दाखिल हो जा। ये शरफ मिलना, 8 दरवाजे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दरवाजे हैं, सब बराबर नहीं है। इस सूरे के पढ़ने के सबब से सवाब यह मिलेगा, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहता है दाखिल शेता इंशाअल्लाह, जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहता है दाखिल हो जा। फिर एक मरतबा रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया इस सूरे के सिलसिले, मन करहा वही सूरा अताउल्लाहु मिनल अजर बिअदद कुल्लु हर्फिन उन्ज़िला अला इब्राहीम अलैहिस्सलाम व मूसा अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो भी इस सूरे सब्बह इस्म रब्बिकल आला की तिलावत करेगा, अताउल्लाह, अल्लाह उसको अता करेगा, मिनल अजर, अजर जो भी अजर जो देगा वो कैसा अजर देगा, बिअदद कुल्लु हर्फिन उन्ज़िला अला इब्राहीम, जितने इब्राहिम के ऊपर आसमान से हरूफ नाजिल हुए, सोफ इब्राहिम व मूसा आपने सुना होगा, उन तमाम हरूफ के बराबर उसको सिला मिलेगा। व मूसा और मूसा के ऊपर व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह के ऊपर तो पूरा कुरान नाजिल हुआ है, कितने हरूफ हैं उसके अंदर में, लाखों की तादाद में हरूफ हैं। अब जरा सोचिए एक सूरा पढ़ने के सबब से कितने अजीम मराहिल से हम और आप जना वाला दाखिल। बास हदीस में तो है कि मनकरा रसूलुल्लाह ने फरमा मनकरा उतिया मिन अजर अशारा हसनात, हर हर्फ के वज 10 हसनात लिखे जाएंगे, 10 नेकियां लिखी जाएंगी। कुल्लु हर्फिन उन्ज़िला अला इब्राहिम, जो जनाब इब्राहिम के ऊपर नाजिल हुआ था एक, हम लिखेंगे 10, क्योंकि उसने सब्बह इस्म की तिलावत की थी। व मूसा मूसा अलैहिस्सलाम, व ईसा ईसा अलैहिस्सलाम, व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताइए इससे पढ़कर और नेमत आसान क्या हो सकती है कि परवरदिगार ने बहाने से हमें और आपको इनायत करना चाह रहा है और हम जना वाला पीछे रह जाए। सुद्दा बिही खल्लतना, अब हम चले उस दुआ की तरफ जो अब हम इख्तितामी मराहिल के ऊपर दाखिल हो चुके हैं और वो दुआ इमाम ज़माना से हम तक पहुंची है जिसको दुआ इफ्तिताह कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल रमज़ान से लेकर अब तक हम लोग इसको अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा और तफसीर इख्तसार के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ए परवरदिगार आलम हमारी हाजतों को पूरा फरमा दे, वसुद्दा बिही क़ल्लतना, ए परवरदिगार हमारी हाजतों को पूरा फरमा दे, किसके ज़रिए से, इमाम ज़माना के ज़रिए से, वयस्सिर बिही उस्रना, और हमारी तंगी को आसानी में बदल दे, बहुत मोमिनीन परेशान हैं। आप इमाम ज़माना के ज़रिए से दुआ मांगे, बयस बही वजूहना, है परवरदिगार हमारे चेहरे को रोशन कर दे, नूरानी कर दे, किसके ज़रिए से, इमाम ज़माना के ज़रिए से। एक आरिफ बड़ी असीम हस्ती ने कहा कि हमने इमाम से मुलाकात की तो उनसे इमाम से कहा कि मौला अगर हमें कोई एमरजेंसी में आपसे मदद मांगनी अगर हो, बहुत वक्त कम हो और बहुत ज़रूरी हो कि आपसे हमें फ़ौरन मदद चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, इमाम ने फरमाया कहो कि या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन, या साहिब ज़मान, अदरिकनी वाला तुहलिकनी, हमारी मदद कीजिए, हमें हलाक होने से बचा लिया। तो एक मरतबा जिस जो पूछने वाला था वो ज़रा सा मुस्कुराया, इमाम समझ गए उसके मुस्कुराने के सबब से। अरबी ग्रामर के एतबार से यह अदरिकनी का लफ्ज़ वाहिद है, मेरी मदद की, जबकि आपने नाम जो लिया अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये तो जमा हो जाता है अदरिकना, यहाँ पर जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था,
मगर आपने वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल जो किया तो वो हल्का सा मुस्कुराए। इमाम ने कहा मैं मुझे मालूम है कि तुम मुस्कुराए क्यों, सुनो तुमने जैसी मदद मांगी रसूल से, मौला अली से, इमाम हसन, इमाम हुसैन से, फिजाना फातिमा जहरा हमारी जद्दा से, वो फौरन मेरे पास आ जाती है, क्योंकि इस वक्त इस कायनात में हुज्जत खुदा मैं हूँ। और एक मरतबा फिर मेरे तरफ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह आगे मरहला कामयाबी के साथ अंजाम पा जाता है। इसलिए नाम सब का लो मगर मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मामला मेरे पास आएगा मुझको अदरक नहीं ए मेरे इमाम ज़माना मदद। नाम पांचों के लिए मदद तो वो इरफान वाले जो औरफा में से जो थे उन्होंने एक राजों में से एक अजीम तरीन राज खोला। उसके बाद फिर चलिए वबैज वजूहना, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन के चेहरे आप जाके ज़रा सा नेट पर देख लें, जो दुश्मनान अहलुल बैत के जो लीडरान हैं उनके चेहरों को एक मतलब देखें आप। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें छुपी हुई थी, आज नेट के आने के सबब से बहुत सी चीज़ें जनावाला खुल के सामने आ गई हैं। आप हमारे रहबरों के चेहरे को देखें, अभी जो पूरे कायनात में जो क्रिश्चियनों का हेड पॉप वाटिकन से जब आया आगे सिस्तानी से मिलने के लिए और प्लेन में वो इंटरव्यू दे रहा था आगे सिस्तानी के लिए, तो कहा कि मैंने आज एक रूहानी शख्सियत अजीम इस कायनात में पावरफुल जो है मैंने उनसे मुलाकात की है। क्या कोई दबाव के सबब से वो इंटरव्यू दे रहा था या कुछ मैंने ब्लैकमेलिंग थी ना, वो तो अपने घर की तरफ रवाना और उसका प्लेन उसके घर की तरफ जा रहा था। वहां पर उसका ये कहना इस बात की दलील है कि ये दुनिया के रहबरान जो इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे इमाम जमाना के, तो जब नायब ऐसे हैं तो इमाम कैसा होगा। अगर खामनाई से जो मिलने के लिए आए जितने भी लीडरान आते हैं, जरा सा उन लोगों के चेहरों को देखे और अदब देखे किस अंदाज से वो बैठ रहे हैं। क्या वो इस अंदाज से प्रेसिडेंट दूसरे कंट्रियों के इस अंदाज से बैठते हैं, किसी भी सामने झुकते वो नहीं। ये कौन सी ताकत है? वो रूहानी ताकत है भाई। ये वजू है ना हमारे चेहरों को पर नूरानी फरमा दे। हमने देखा अपनी आंखों से, मैं उस जमाने में ईरान में था जब इस्लाम की दावत दी थी इमाम खोमेनी ने, गोरबाचेव जो उस वक्त रशिया का सदर भी था और पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट का हेड था, जब उसने अपने नुमाइंदे फॉरेन मिनिस्टर जो था उस जमाने का शेवरनाज़े था उसके जरिए से भिजवाया था पैगाम, तो कांप रहा था। तो लोगों ने पूछ लिया इंटरव्यू वाले ने कि भाई आप कांप क्यों रहे थे, जबकि इमाम खोमेनी ऐसे आराम से टोपी लगा के बैठे थे सोफे पर, तौलिया सामने रखे हुए थे। कहा कि मैं जब दुनिया में जाता हूँ तो सर उठा के बात करते हैं लोग, हमसे सर झुका के बात करते हैं, मगर नहीं पता कितनी पावरफुल शख्सियत है ये कि मैं इनके सामने कोशिश कर रहा था कि मैं मेरा हाथ ना हिले, मैं काबू ने मुझे मालूम है हर मोमेंट हमारा जब्त हो रहा है। ये इलाही ताकत है, ये नुमाइंदे हैं, ये फक्को फुक्का बिही असरना ए मेरे परवरदिगार है हमारे कैदियों को रिहाई दे दे। वह उसके बाद फिर फरमाते हैं वह अंजिस बिही थलबतना ए परवरदिगार आलम, जो हमारी हाजतें हैं उसे पूरा फरमा दे इनके ज़रिए से। अब देखिए हर दुआ में इमाम ज़माना का जिक्र करते हुए मामला आगे बढ़ रहे, तो अब पता ये चला कि अगर हमने इमाम ज़माना को छोड़ कर कुछ चीज़ें अगर मांगनी चाहें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंजिस बिही मवाई देना, हमारे वादे निभा दे परवरदिगार आलम के ज़रिए से। हमने बहुत से वादे करके रखे हैं, अपने बच्चों से वादा है, अपने दोस्तों से वादा है, अपने अजीज़ों से वादा है, अपने कौम से वादा है, इन वादों को पूरा करने के लिए इमाम ज़माना के तवसुस से हमें ताकत इनायत वस्तजिब बिही दावतना, हमारे सवाल को पूरा कर दे परवरदिगार आलम के ज़रिए से। वातना बिही सौलना, और हमारे जरिए और इनके ज़रिए से इसके ज़रिए से हमारी दुआएं कबूल हो जाए। इमाम ज़माना के ज़रिए से लौला लहुज्जा लहदमतुल अर्द मा साहिबहा, अगर हुज्जत खुदा ना हो तो ये ज़मीन पानी में चली जाएगी, निगल लेगी, निगल लेगा पानी पूरे इस कुरे अर्ज को, तो किसने रोक के रखा है? तो कोई हुज्जत खुदा है कि जिसके सभी सूरज ये चांद बता रहे हैं कि कोई नुमाइंदे इलाही ज़मीन पर इस वक्त मौजूद है जिसके सबब से ये तमाम निज़ाम जो है माशाल्लाह से अपने रवा दवा
एतबार से जरा मौला चल रहा है। वल्लगना बिही मिना दुनिया, और परवरदिगार दुनिया में हमारी जो उम्मीदें हैं इनके जरिए से पूरी फरमा दें, बहुत सी उम्मीदें हैं। वल आखिरत आमा लेना, आखिरत में भी हमारे बहुत से उम्मीदें हैं, परवरदिगार आलमीन के जरिए से उन उम्मीदों को पूरा फरमा दें। तो अब देखिए हमें तरीका बताया जा रहा है, दुआओं के अंदर में है, वातेना बिही फौक रगबतेना, और हमारी जो दरख्वास्त है हम बहुत मुख्तसर से जानते हैं, हम अपनी हद तक जानते हैं। ए परवरदिगार आलम इनके जरिए से तू हमारी दरख्वास्त से ज्यादा इनायत कर दे, वातेना इनायत कर दे, बिही फौक रगबतेना, जो हमने मांगा उससे कहीं ज्यादा अता कर दे। अब बिल्कुल करते हैं, ऐसे ऐसे मदद हुई है कि दुनिया के तमाम हैरान है। एक छोटा सा ग्रुप इसराइल, जिसके पीछे पूरी दुनिया गर्ब शर्क एक साथ पीछे खड़ी हुई है। अभी अब देखिए सीरिया को तबाह बर्बाद कर दिया, ना वर्ल्ड कोर्ट आया, ना यूनाइटेड नेशन आया, सिक्योरिटी वहीं से बैठ के खाली दो चार लफ्ज कभी कभी बोल देते थे बस, और कुछ नहीं। अभी मामला यूक्रेन का हुआ, वर्ल्ड कोर्ट उठ के आ गया यूक्रेन में, सेक्रेटरी जनरल आ रहा है यूक्रेन में, फॉरेन मिनिस्टर दुनिया के बहुत से जगह जगह से जनाऊंगा वहां पहुंच रहे हैं। क्या यमन में इंसान नहीं बसते थे या नहीं बसते हैं? अफगानिस्तान और सीरिया में इंसान नहीं बसते? बर्मा में नहीं बसते, जो बर्मा में बाकायदा चिकन टिक्का बन गया इंसानों का, वहां तो कोई नहीं आया। अब कुछ दिनों पहले अभी हमने सुना, ये किसी मजाका खेज बात है, कहां वहां पर जेनिसाइड हुआ, जरा सोचे कितने बड़े अफसोस की। खैर मसूलीन, ऐसे सवाल करने जाने वालों में से बेहतरीन अता करने वाले, जरा सोचे जरा गौर फरमाए। इमाम के जरिए से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ इनायत होती है। दुआ करें इमाम ज़माना के जरिए से, बहुत फसाद दुनिया में बरपा है, मगर फसाद को अगर दूर करना चाहते हैं, बहुत से ग्रुप्स इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं, उन तमाम ग्रुपों से, तमाम फितनों से, तमाम परेशानियों से अगर बचना चाहते तो वाहिद एक इलाज है जो हमने रिवायात में पढ़ा है, वो आपकी खिदमत में बसद अदब अर्ज कर रहा हूँ। अपने अपने इलाके के उलमा से कहेंगे सिर्फ इमाम ज़माना के फ़ज़ाइल पढ़ें, इमाम ज़माना के हालात पढ़ें, इमाम ज़माना की अलामात पढ़ें, ज़ुहूर के इमाम ज़माना के ज़ुहूर के बाद की ज़िंदगी पढ़ें, सिर्फ ये पढ़ें और कुछ ना पढ़ें, देखें इत्तेहाद हो जाएगा, क्योंकि इससे जो भी इनकार करेगा शियत से बाहर निकल जाएगा। और इमामों ने फरमाया आखिरी ज़माने में बहुत फितने फैलेंगे, बहुत ग्रुप आएंगे, ऐसा नहीं कि ये ऐसी बात हुई कि इसकी कुछ रिवायत में खबर नहीं, नहीं नहीं मैंने पढ़ा है जब आखिरी ज़माने में इतने फैन फितने फैलेंगे चारों तरफ से, उसके वाहिद बचने का रास्ता ये होगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इमाम ज़माना के सिलसिले में गुफ्तगू की जाए, वो भी अहले इल्म आलिम, न ये कि तकरीबन कंपाउंडरों से हम अपना इलाज करवाएं, अपना ऑपरेशन करवाएं। आप जिससे भी सुने तो एक मतलब ये ज़रूर देख लें कि इसने कितनी तालीम हासिल की है हौज़े इल्मिया में, ताकि सही तौर के ऊपर वो आपको दीन व अहलुल बैत, पैगाम अहलुल बैत इस्लाम समझा सके, वरना नहीं पता कौन सा प्रॉक्सी है कि जिस खिदमत को अंजाम दे रहा बनाम इस्लाम। इंशाल्लाह हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।